हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। आज इस वीडियो में हम सिक्स्थ चैप्टर जो है द आर्टिस्ट, जिसकी राइटर हैं शिगा नाओया, इसका समरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द आर्टिस्ट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाई जैपनीज ऑथर शिगा नाओया। यानी द आर्टिस्ट एक लघु कथा, एक छोटी सी कहानी है जो कि जैपनीज लेखिका शिगा नाओया द्वारा लिखी गई है। ठीक है, दिस स्टोरी एक्सप्रेसेस द ट्रेडिशनल एटीट्यूड ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स टुवर्ड्स एजुकेशन एंड चिल्ड्रंस अपब्रिंगिंग। ठीक है, ये कहानी जो है वो प्रस्तुत करती है पेरेंट्स और टीचर्स का जो परंपरागत जो रवैया है, यानी वो कैसे पेश आते हैं, मतलब बच्चे के पालन पोषण को लेके या बच्चे की शिक्षा के प्रति वो कैसे पेश आते हैं शुरू से ही, तो इस रवैये को क्या कर रहा है ये स्टोरी एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, दिखा रही है। टीचर्स एंड पेरेंट्स थिंक दैट स्पेंडिंग टाइम ऑन थिंग्स अदर देन स्टडिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। यानी शिक्षक और माता पिता, इनको लगता है, यानी ये सोचते हैं कि पढ़ाई को छोड़ के किसी और चीज़ पे काम करना, किसी और चीज़ पे टाइम देना, वो क्या है, वो समय की बर्बादी है। आप नोटिस कीजिएगा, अगर आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो मम्मी पापा भी खुश होंगे, टीचर भी खुश होंगे, लेकिन अगर आप बैठ के पेंटिंग कर रहे हैं या कुछ और, जैसे आप फुटबॉल खेलने चले गए, भले ही आपका इंटरेस्ट उसमें हो, लेकिन पेरेंट्स को वो उतना अच्छा नहीं लगता। पेरेंट्स चाहते हैं कि आप सिर्फ पढ़ाई करें। ठीक है, इन दिस स्टोरी सेबी इज़ अ 12 ईयर्स ओल्ड स्कूल गोइंग बॉय हु हैज़ अ कीन इंटरेस्ट इन पेंटिंग गर्ड। इस कहानी में एक 12 साल का लड़का है सेबी, जो कि स्कूल बॉय है, स्कूल जाता है, और जिसका गर्ड एक फ्रूट है, ठीक है ना, जो कि कद्दू की तरह होता है। ठीक है, तो उस फ्रूट के ऊपर पेंटिंग करना मतलब उसका शौक है। ठीक है, और उसका बहुत ही कीन इंटरेस्ट है, यानी उसका बहुत उसमें लगन है, उसका उसकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है कि वो गर्ड यानी उस फ्रूट पे पेंटिंग करे। ठीक है, वेन एवर ही गॉट टाइम ही वुड ट्राई टू पुट हिमसेल्फ इन दिस वर्क। जब भी उसे समय मिलता था वो खुद को इसी काम में उलझा लेता था, इसी काम में लगा लेता था। हिज फादर डिड नॉट लाइक इट, जबकि सेबी के पिता को ये पसंद नहीं था। बट सेबी कंटिन्यूज हिज हॉबी डिस्पाइट हिज फादर्स डिसलाइक। लेकिन पिता के नापसंदगी के बावजूद भी सेबी ने अपनी इस हॉबी को, अपनी इस आदत को क्या लगातार बनाए रखा। ठीक है, यानी वो गर्ड को पेंट करता था। ठीक है, वेन एवर ही गॉट टाइम, जब भी उसे टाइम मिलता था, ही वुड गो टू द मार्केट, वो बाजार जाता था एंड बाई गर्ड्स को खरीदता था। देन डाई देम, उसके बाद उन्हें डाई करता था ऊपर से। ठीक है, विथ डिलीजेंस, यानी पूरे लगन के साथ, एंड ड्राई देम, उन्हें डाई करता था, फिर उन्हें सुखाता था। ही हैड अ बिग कलेक्शन ऑफ डाइड गर्ड्स, यानी जितने भी डाइड गर्ड्स थे, डाइड गर्ड्स मतलब वो क्या करता था, उसका पहले छिलका हटाता था, फिर उसके ऊपर कुछ लिक्विड डालता था, मतलब अपने पूरा तैयारी के साथ उसको प्रिपेयर करता था। तो उसके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन हो गया था गर्ड्स का। ठीक है, बहुत सारे गर्ड्स उसने डाई करके रखे थे। वन डे, एक दिन, ही बॉट अ स्मॉल 5 इंच गर्ड फ्रॉम एन ओल्ड लेडी। एक दिन उसने एक बूढ़ी महिला से 5 इंच का गर्ड खरीदा। ठीक है, दिस पार्टिकुलर गर्ड अट्रैक्टेड हिम अ लॉट, और ये जो गर्ड था इसने सेबी को काफ़ी अट्रैक्ट किया, यानी काफ़ी उसे आकर्षित किया। ही वुड टेक डैट विद हिम वेयर एवर ही वेंट, वो जहाँ भी जाता था उस गर्ड को अपने साथ लेके जाता था। ठीक है, वन डे ही टुक डैट गर्ड टू स्कूल, एक दिन वो उस गर्ड को लेके स्कूल में चला गया। एंड स्टार्टेड कलरिंग इट अंडर द टेबल देयर, और वहीं पे टेबल के नीचे जहाँ क्लास चल रहा है, क्लास में है, वहीं पे वो टेबल के नीचे क्या किया, गर्ड को कलर करना स्टार्ट कर दिया। द टीचर ऑफ एथिक्स सॉ हिम कलरिंग द गर्ड, एथिक्स एक सब्जेक्ट है आचार विचार का, तो एथिक्स के टीचर ने सेबी को गर्ड कलर करते हुए देख लिया। ठीक है, ही स्कोल्ड सेबी टू मच फॉर इग्नोरिंग स्टडीज एंड प्लेइंग विथ गर्ड्स, और उन्होंने सेबी को बहुत डांटा, क्यों इसलिए डांटा क्योंकि वो पढ़ाई को इग्नोर कर रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है और गर्ड्स के साथ खेल रहा है। ही टुक द गर्ड फ्रॉम हिम, उन्होंने उससे सेबी से वो गर्ड छीन लिया।
एंड केम टू हिज हाउस विथ सेबी। और सेबी घर आया उसके बाद उसके टीचर जो हैं एथिक्स के टीचर जिन्होंने पकड़ा था सेबी को वो भी घर आए। आफ्टर दिस इसके बाद सेबी फादर स्कोल्ड्स एंड बीट हिम अ लॉट। टीचर ने कंप्लेन की सेबी के पेरेंट्स को। उसके बाद सेबी के पिता ने उसको बहुत डांटा बहुत पीटा भी एज वेल एज ब्रेकिंग ऑल हिज गर्ड्स। और उसके जितने भी गर्ड्स का कलेक्शन था बहुत सारा गर्ड्स उसने बहुत पेंटिंग करके रखा था उन सारे गर्ड्स को उसके पिता ने तोड़ दिया फेंक दिया। एंड आस्क्ड सेबी टू नेवर डू दिस अगेन। और सेबी को कहा कि तुम ये फिर कभी नहीं करोगे बोलो कि ये सब तुम दोबारा फिर कभी नहीं करोगे। द टीचर हु टुक द पम्पकिन फ्रॉम सेबी। पम्पकिन मतलब गर्ड। वो टीचर यानी एथिक्स के वो टीचर जिन्होंने सेबी से वो गर्ड छीना था गेव दैट पम्पकिन टू अ पॉटर ऑफ द स्कूल फॉर फ्री। उन्होंने फ्री में स्कूल का जो पॉटर था पॉटर मतलब होता है सामान ढोने वाला ठीक है। तो हम देखते हैं ना कि हमारे स्कूल में कुछ हम लोग जैसे उन्हें भैया कहते हैं प्यार से कुछ भैया लोग होते हैं जो क्या करते हैं स्कूल का काम वगैरह करते हैं। तो उन्हें फ्री में वो गर्ड दे दिया ठीक है क्योंकि टीचर को बेकार लगा उन्होंने उसे दे दिया। द पॉटर केप्ट डेट इन हिज हाउस। पॉटर को भी वो कुछ खास नहीं लगा उसने अपने घर में जाके उसे रख दिया। बट वंस व्हेन ही हैड नो मनी लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब पॉटर के पास पैसा नहीं था ही वेंट टू अ क्यूरियो डीलर टू सेल द गर्ड फॉर अ फ्यू कॉपर्स। कॉपर्स जो है वो जैसे हम लोग रुपया कहते हैं तो वैसे ही कॉपर्स है ठीक है एक यूनिट है। ही वेंट टू अ क्यूरियो डीलर। वो क्या किया एक क्यूरियो डीलर के पास गया। क्यूरियो डीलर उसे कहते हैं जो पुरानी मतलब कबाड़ उबाड़ टाइप की चीज़ें बेचता है। तो वो क्यूरियो डीलर के पास उस गर्ड को लेके गया चूँकि उसके पास पैसे नहीं थे उसे पैसे की सख्त ज़रूरत थी और कुछ कॉपर्स में उस गर्ड को बेचने की बात कही ठीक है। ही एक्सपेक्टेड 2-3 येन। उसे लगा था कि 2 या 3 येन मिल जाएगा। येन जो है वो जापान में चलता है ठीक है जैसे डॉलर चलता है वैसे ही येन है जो जापान में चलता है। बट व्हेन द क्यूरियो डीलर हिमसेल्फ अग्रीज टू पे 5 येन ही गेट्स सरप्राइज्ड। लेकिन जब उस क्यूरियो डीलर ने खुद ही बोल दिया कि इसके 5 येन मिलेंगे तो ये काफ़ी मतलब आश्चर्यचकित हो गया काफ़ी शॉक में पड़ गया कि मतलब मैं तो सोच रहा था 2-3 येन मिल जाए तो काफ़ी है लेकिन इसके तो 5 येन बोल रहा है ये खुद से बोल रहा है। ही डिड नॉट अग्री टू गिव गर्ड एट दैट प्राइस। लेकिन वो राज़ी नहीं हुआ 5 येन में देने के लिए यानी वो पॉटर समझ चुका था कि इसकी कीमत कई ज़्यादा है ठीक है चूँकि उस पर सेबी ने बहुत खूबसूरत पेंटिंग की थी उस गर्ड पे। इन द एंड और अंत में द क्यूरियो डीलर गिव्स हिम 50 येन विच वॉज मोर देन हिज ईयर राउंड अर्निंग्स। और अंत में देखिए उस गर्ड जिसपे सेबी ने पेंटिंग की थी उसकी कितनी कीमत है यानी अंत में उस क्यूरियो डीलर ने 50 येन दिए उस पॉटर को जो कि उस पॉटर की साल भर की कमाई से कहीं ज़्यादा था ठीक है। बट ही डज नॉट टेल दिस टू एनी वन। लेकिन इस बात को पॉटर ने किसी को नहीं बताई ठीक है। डैट टीचर वो टीचर जिसने सेबी को पकड़ा था और गर्ड छीन लिया सेबीज़ फादर सेबी के पिता एंड इवन सेबी और खुद सेबी हिमसेल्फ नेवर न्यू हाउ मच हिज आर्ट वाज वर्थ। यानी ये तीनों कभी नहीं जान पाए कि सेबी का जो आर्ट था उसकी जो कला थी वो कितनी दिव्य थी ठीक है ना यानी वो कितनी अच्छी कला थी लेकिन कद्र ना करने की वजह से क्या हुआ वो कला ख़त्म हो गई। इन दिस वे और इस तरह दिस स्टोरी टेल्स हाउ lot of parents and teachers do not care about the interest of the children। और इस तरह ये कहानी हमें बताती है कि कैसे बहुत सारे माता पिता या शिक्षक बच्चे के इंटरेस्ट यानी उसकी रुचि उसकी दिलचस्पी की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं एंड दे नेवर गेट द चांस टू इम्प्रूव देयर स्किल। और उन बच्चों को कभी भी मौका नहीं मिलता है कि वो अपने स्किल्स को वो अपने गुण को क्या करें इम्प्रूव कर सके आगे बढ़ा सके। दिस इज़ अ काइंड ऑफ इनजस्टिस टू चिल्ड्रेन। और शिगन आओया कहती हैं सबसे अंत में कि ये बच्चों के साथ एक नाइंसाफ़ी है ठीक है। आई होप ये समरी आपको समझ में आई होगी। सो थैंक्स एवरीवन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।